ये तो हम सभी जानते हैं, समुद्र हमेशा से लोगों के लिए रहस्यात्मक रहा है। दुनिया में सिर्फ 10% समुद्र ऐसे हैं जिनको पूरी तरह एक्सप्लोर किया गया है। समुद्र के अंदर मिलने वाली चीजें हमेशा लोगों को कंफ्यूज करने के साथ ही उन्हें आश्चर्य में डाल देती है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई समुद्र के नीचे कोई दुनिया है। यहाँ हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो समुद्र के नीचे से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये मछली का काम है या एलियंस का? दक्षिणी जापान में समुद्र के तलहटी में गोल आकृतियां मिली हैं। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था और उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली और बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है और उनका मानना है कि UFO यानी कहा जाए तो एलियंस के स्पेसशिप से ऐसी संरचनाएं बनती हैं। हालांकि 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक व्हेल पफ मछली ऐसी संरचनाएं बनाती है और वो फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं, और इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का काम मानते हैं। किसने बसाया था ये शहर? जापान में युनागुनी के तट पर ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस बारे में एक राय नहीं रखते। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप बनी हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इसे किसी अन्य सभ्यता के इंसानों ने बनाया है। सी मॉन्स्टर की हकीकत क्या है? सदियों से कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री देवताओं का वर्णन मिलता है और बहुत से लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि ये भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र के गहराइयों में रहते हैं और सी मॉन्स्टर्स, ड्रैगन, सांप किसी भी तरह के हो सकते हैं। समुद्र तट पर कहां से आते हैं पैर? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के इस ब्रिज पर इंसानी पैर हमेशा मिलते रहे हैं और 2008 से शुरू हुए इस सिलसिले के तहत अब तक 16 पैर मिल चुके हैं। इनमें से कुछ पैरों में स्नीकर्स, हाई बूट भी हैं, और ये पैर वहां तक कैसे पहुंचते हैं, कोई उन्हें क्यों छोड़ देता है वहां पे, और वो किसके पैर हैं, इन सारे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। समुद्र में फटाफट कैसे बन गई मम्मी? दक्षिणी फिलीपींस में समुद्र तट के करीब एक लावारिस नाव मिली थी। इसमें जर्मन इंसान मैनफिट्स बिजराट का शव टेबल पर बैठी हुई स्थिति में मिला था। ऐसा लग रहा था मानो फिट्स अपने हाथ सर पर रखकर सो रही हों। उनकी लाश सड़ी नहीं थी बल्कि मम्मी जैसी बन चुके थे। हालांकि ऑटोप्सी के बाद साइंटिस्ट ये जानकर हैरान रह गए थे कि बिजराट की मौत महज 7 दिन पहले ही हुई थी, और कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश मम्मी बन गई। लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाशों के मम्मी बनने में लंबे समय का वक्त लगता है, वहीं बिजराट की लाश सिर्फ हफ्ते भर में ऐसे कैसे मम्मी बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी समुद्र में अजीबोगरीब चीज मिली है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।